नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। उत्तराखंड में आज भी मौसम खराब रहने के आसार हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक 22 जून तक प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से तीव्र बारिश होने की संभावना है। बता दें कि मंगलवार सुबह पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान में बादल छाए रहे, हालांकि दिन चढ़ने तक तेज धूप खिल गई। इस दौरान मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार अगले 3 दिनों तक देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उद्धम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल जिले में हल्की से तेज बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून 5 दिन देरी से यानी कि 25 जून को प्रदेश में प्रवेश करेगा। इससे पहले 21 और 22 जून को प्री मानसून की अच्छी बारिश होगी। हालांकि इससे पहले भी पहाड़ी जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को मौसम का अपडेट लेकर यात्रा करने की भी हिदायत दी है। बरसात के मौसम के मद्देनज़र केदारनाथ धाम में एहतियातन तीर्थ यात्रियों की संख्या कम करने के लिए प्रशासन ने तैयारी की है। फिलहाल मौसम के अपडेट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।